नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिपॉय फार्मा का जो एग्जाम हुआ था 2 मई 2024 को, उसमें पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर को। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज शेड्यूल एम ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बिलोंग्स टू। तो शेड्यूल एम बिलोंग होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से, जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कैलकटा वर्क्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो बीपीसीएल एस्टैब्लिश्ड किया गया था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जो कि 1901 में एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम्स ऑफ ईसीजी वेव से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईसीजी वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें 5 वेव होते हैं, पी क्यू आर एस टी यू। ये 5 वेव होता है और ईसीजी वेव इट इज मेजर्ड टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन था। तो इसका डब्ल्यूबीसी का साइज होता है अप्रोक्स 10-20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसी का 12-20 डेज। इसका काउंट होता है 4000-11000 क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो ड्रग इंक्वायरी कमिटी एस्टैब्लिश किया गया था 11 अगस्त 1930 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। दोस्तों सिपाही फार्मा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही ये चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आंसर आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आयोडीन स्टोरेज इन ह्यूमन बॉडी। तो एडल्ट में स्टोरेज होता है 15-20 मिलीग्राम, वही 15-20 मिलीग्राम, जिसमें से 70-80% स्टोर्ड होता है थायराइड ग्लैंड में। तो इसका सही आंसर था थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इन अ प्रिस्क्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इन अ प्रिस्क्रिप्शन होता है इट इज अ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू द डोजेस फॉर्म एंड नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डीईसी यानी ड्रग इंक्वायरी कमिटी इज आल्सो नोन एज। तो डीईसी इज आल्सो नोन एज चोपड़ा कमिटी, और ये चेयरमैन पहले इसके थे लेट कर्नल आर एन चोपड़ा, और ये बना था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी वॉज एस्टैब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था सर जस्टिस जोसेफ भोरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। तो शेड्यूल एक्स ड्रग में आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसके सेल के लिए एप्लीकेशन लगता है फॉर्म नंबर 19C। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर लाइसेंस ऑफ रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। तो रिटेल के लिए 20F का यूज किया जाता है, फॉर लाइसेंस ऑफ होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इसके लिए 20G का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज अप्रूव्ड ऑन। तो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज अप्रूव्ड ऑन 10 अप्रैल 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 1949 को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, साइज ऑफ कैप्सूल से क्वेश्चन था, जिसमें लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल जो होता है वो 000 होता है, जिसका कैपेसिटी होता है 950 मिलीग्राम, वही स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है 5, जिसका कैपेसिटी होता है 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज अ मेजर ऑफ अ ड्रग सेफ्टी, इट इज अ रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर पीसीआई का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 17, चैप्टर 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 रिलेटेड टू। तो चैप्टर 3 जो है वो रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी एक्ट 1948 को मेनली 5 चैप्टर एंड 46 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 में आता है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चैप्टर 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर 4 में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड चैप्टर 5 में आता है मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 18 जो था सिपाही फार्मा एग्जाम 2024 का, थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट आर स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग। तो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट आर स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 160 डिग्री टू 180 डिग्री एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 121 डिग्री सी टू 135 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो के सी के ई राजा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, 17th जून 1948 को इनका नॉमिनेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सेना एंड डिजिटलिस कंटेन विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो सेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है, वहीं डिजिटलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और दोनों में ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फेनल फैमिली एंड यूजेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फेनल का फैमिली होता है अम्बेलीफेरी और इसका यूज किया जाता है एज अ कार्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन। तो ये पास किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23, द ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन। द ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन 30 अप्रैल 1954। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और सिपाही फार्मा में आए हुए क्वेश्चन को आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे भी एक क्वेश्चन था। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग इनटू देयर मेटाबोलाइट्स। इसमें नॉन पोलर ड्रग कन्वर्टेड होता है पोलर ड्रग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 25, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी कॉजेस। तो विटामिन बी12 को हम कहते हैं साइनाकोबेलामिन, जिसके डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया। इससे और भी हो सकता है लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर मोंटू पटेल हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, इसमें पूछा गया था कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे हुआ था वो कौन सा गणतंत्र दिवस था। तो 75th रिपब्लिक डे इंडिया सेलिब्रेट किया साल 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 28, ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। तो इसे क्या कहते हैं, इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ड्रग टेक्स फॉर इट्स इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव एक्शन ऑफ अ ड्रग इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था, बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज इन विच डिजीज। तो जॉन्डिस डिजीज में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में सिपाही फार्मा में पूछे गए सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज से था, लीस्ट एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिहार है लीस्ट एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिटरेसी रेट है 61.80%, मेल में लिटरेसी रेट है 71.20%, फीमेल में लिटरेसी रेट है 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 था, इसमें यह पूछा गया था कौन सा इंडियन बॉलर 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र चंद अश्विन, आर अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 32, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस से
बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हाउ मेनी एक्टिव कमांड्स इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं जो कि एक्टिव हैं। पहला है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ट्रेनिंग कमांड्स। टोटल 7 एक्टिव कमांड्स हैं। 34 क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ रसिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो रसिया के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिस्टुजिन एंड प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 35, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, केमिकल नेम ऑफ पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल का केमिकल नेम होता है एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 37, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है। तो हिपेरिन होता है आपका पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन विच फॉर्म विटामिन डी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्सिट्रायोल के रूप में प्रेजेंट होता है। इसे हम कहते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सिफेरॉन। दोस्तों सिपाही फार्मा का क्या कट ऑफ जाने वाला है ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या आपका जो भी क्वेश्चन याद हो अगर आपको सिपाही फार्मा का, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 39 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो स्पर्म सेल होता है स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे, विच टाइप ऑफ टैबलेट आर यूज टू मेक अ सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेटिंग और एफर्वेसेंट टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, ईओक्यू फॉर्मूला इन फार्मेसी, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईओक्यू को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्यू इजकल टू होता है रूट टू डी एस बाय एच, वेयर क्यू इजकल टू ईओक्यू यूनिट्स, डी इजकल टू डिमांड इन यूनिट एनुअल बेसिस, एस इजकल टू ऑर्डर कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, एच इजकल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो ये होता है ईओक्यू का फॉर्मूला। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 42, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल आफ्टर डिस्पेंसिंग और क्लोजिंग ऑफ अ डिस्पेंसरी, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन हार्ट जिलेटिन कैप्सूल, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्या आंसर होगा आपको हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं। 44 क्वेश्चन देखेंगे, साइज ऑफ प्लेटलेट, तो अप्रोक्स 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट इन इंजेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इसका भी क्या आंसर होना चाहिए ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन कैप्सूल फिलिंग मशीन, ये चारों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हॉपर, स्टीरर, फिलिंग, नन। तो इसका आंसर क्या होगा आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 46 था, एग्जाम्पल ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम, तो ओपियोइड का विड्रॉल सिंड्रोम एक विड्रॉल सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 47, टेम्परेचर फॉर कोल्ड इन्वायरमेंट इन अ फार्मेसी, तो 2 to 8 डिग्री सी होता है कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए और कूल इन्वायरमेंट के लिए होता है आपका 25 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटो ऑक्सीडेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है फूड गोइंग रेंसिड, ड्राइंग ऑफ वार्निशेज एंड पेंट्स। 49 क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग लिस्ट इज प्रेजेंट इन, ऑप्शंस हैं हॉस्पिटल वार्ड, इमरजेंसी रूम, ऑपरेशन थिएटर, आउट पेशेंट सर्विस। तो ड्रग लिस्ट प्रेजेंट कहां पे होता है, मेनली ये हॉस्पिटल वार्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 50, डैश मेडिसिन आर द वंस हुज क्वांटिटी वी कैन प्रेडिक्ट एंड कैन ऑर्डर ऑन वीकली और मंथली बेसिस, ऑप्शंस हैं प्राइमरी, इमरजेंसी, कंट्रोल, रेगुलेटेड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 51, रीऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी, तो रीऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज डेली कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस प्रेजेंट स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेलाइन इंजेक्शन या फिर एनएस इंजेक्शन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53,
विच अमाइनो एसिड कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया? तो एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 54। अकॉर्डिंग टू FDA, विच इज नॉट टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु फ्लाइंग एरोप्लेन? वन लाइनर क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर होगा पायलट एरोप्लेन उड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड ऑफ वाटर, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन था, जिसमें वरुण होते हैं लॉर्ड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 57, चित्रंजन दास बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो चित्रंजन दास एक फ्रीडम फाइटर थे, जो कि बंगाल अनडिवाइडेड इंडिया ब्रिटिश में बिलोंग करते थे। इनका दूसरा नाम देशबंधु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहां पर शायद लास्ट गवर्नर या लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 59 क्वेश्चन था, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 60, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो अंडमान या निकोबार आइलैंड में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 61, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ इंडिया वी कैन सी कंचनजंगा? तो सिक्किम से हम कंचनजंगा को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन याद आ रहा हो सिपाही फार्मा एग्जाम 2024 को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा एफर्ट्स, हम आपके लिए डेडिकेशन पसंद आया हो, तो फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।